मुकेश मिल्स जो कि हॉन्टेड मूवीज के शूट के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, लेकिन इसी मुकेश मिल्स में बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने नेगेटिव एंटिटीज की प्रेजेंस फील की है। बदलापुर मूवी की शूटिंग के दौरान वरुण धवन और यामी गौतम ने बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एंटिटीज को फील किया इसी मुकेश मिल्स में। इसी डर की वजह से ये दोनों सेलिब्रिटीज एक दूसरे के साथ रहते थे। यही दोनों नहीं बल्कि बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने नेगेटिव एंटिटीज को फील किया है मुकेश मिल्स में, जैसे अमिताभ बच्चन ने जुम्मा चुम्मा सॉन्ग के दौरान, सलमान खान ने वांटेड मूवी के फाइट सीन्स के दौरान। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ ये सब कुछ घटा है, लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी ने ओपनली बात नहीं करी। लेकिन वहीं इमरान हाशमी और विपाशा वासु ने इस मामले में ओपनली बात करी और बताया कि उनकी मूवी शूटिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज को वहां पे देखा था जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। तो आज हम एक ऐसे भयानक इंसिडेंट की बात करने वाले हैं जो कि इसी मुकेश मिल्स में घटा था। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार मुकेश मिल्स को हॉन्टेड प्लेस क्यों माना जाता है। तो मुकेश मिल्स ये बिल्डिंग 160 साल पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कॉटन और वूल से कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन ईयर 1970 में इस मुकेश मिल्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और मिल में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर जल गए, जिसके बाद ये मिल 2 साल तक बंद रही। जैसे तैसे करके 2 साल के बाद यानी कि ईयर 1972 में ये मिल फिर से शुरू हुआ और काम जैसे तैसे करके शुरू हुआ। लेकिन 10 साल बाद फिर से यानी कि 1982 में इस मुकेश मिल्स में फिर से आग लग गई और इस बार सारा का सारा मुकेश मिल्स जल गया। और ये आग क्यों लगी ये रीज़न आज तक अननोन है। इसके बाद मुकेश मिल्स हमेशा के लिए बंद हो गया। ईयर 1984 से मुकेश मिल्स की जली हुई बिल्डिंग को शूटिंग के लिए किराए पे देना शुरू कर दिया गया। लेकिन लोगों का मानना है कि आज भी मुकेश मिल्स से जो मजदूर काम करते थे और 1970 में जो जल गए थे उनके चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। यहाँ तक कि बहुत सारे मूवी डायरेक्टर्स ने तो ये भी बोला कि मुकेश मिल्स के अंदर एक पीपल का पेड़ है और उसी पेड़ पे इन सब भूतों का बसेरा भी है। खैर ये तो थी मुकेश मिल्स की बातें। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल इंसिडेंट की जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ हुआ था और इस एक्ट्रेस का नाम हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो मुकेश मिल्स में एक हिंदी हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही थी और जो मूवी की एक्ट्रेस थी वो ग्रीन रूम में बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। लेकिन उसी दौरान उसे फ्लोर पे पड़े हुए 2 झुमके दिखाई दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। उसने स्क्रिप्ट छोड़ी और वो झुमके उठा के शीशे के सामने पहनना शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी असिस्टेंट पीछे से आई उसको बुलाने के लिए, लेकिन असिस्टेंट ने जो देखा वो देख के असिस्टेंट बिल्कुल डर गई। उसने देखा कि एक्ट्रेस की रिफ्लेक्शन में उसको एक बहुत ही भयानक औरत दिखाई दे रही है जिसने वो झुमके पहने हुए थे। ये देखते ही असिस्टेंट की चीख निकल गई जिससे उस एक्ट्रेस के हाथ से वो झुमके नीचे गिर गए और वो एक्ट्रेस पीछे घूम के उस असिस्टेंट को देखने लगी। तभी असिस्टेंट ने वापस देखा तो उसको सब कुछ नॉर्मल दिखाई दिया और उसने सोचा कि वो उसका वहम था। तो उस असिस्टेंट ने उस एक्ट्रेस को बताया कि बाहर आपका शूट रेडी है और आपको बुला रहे हैं। तो एक्ट्रेस वापस सेट पे जाती है और अभी शूट शुरू हुआ ही था कि सेट की लाइट फ्लिकर करने शुरू कर देती है और बाहर बहुत ज़ोर का धमाका होता है जिसकी वजह से सेट की सारी लाइट चली जाती है। वो धमाका खराब मौसम की वजह से था। मुकेश मिल्स के बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा भयानक हो रखा था। तो इतने में ही सेट के कुछ लोग फ्यूज़ चेक करने जाते हैं कि हो सकता है फ्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम हो। तो जब वो जा रहे होते हैं तो उनको एक अजीब से इंसान का साया दिखाई देता है जो कि सिगरेट पी रहा था। तो टीम मेंबर्स ने जब उससे पूछा कि फ्यूज़ कहाँ है तो वो इंसान काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने सिर्फ एक हाथ उठाया और इशारा किया कि फ्यूज़ उस तरफ है। टीम मेंबर्स को ये थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन वो चले गए और उन्होंने जैसे ही फ्यूज़ ठीक किया लाइट आ गई, लेकिन लाइट के आते ही वो इंसान गायब हो गया। इस सारे इंसिडेंट ने टीम मेंबर्स को काफ़ी डरा दिया लेकिन उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और वो वापस सेट पे चले गए। अब लाइट आने के बाद शूट फिर से शुरू होता है लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। एक्ट्रेस अपने डायलॉग ही नहीं बोल पाती। उसको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका गला पकड़ दिया और फिर वो एक्ट्रेस कांपने शुरू हो जाती है और कांपती कांपती नीचे गिर जाती है बेहोश होकर। इसके बाद डायरेक्टर शूट से थोड़ी देर की ब्रेक देता है और वो असिस्टेंट उस एक्ट्रेस को उठा के वापस ग्रीन रूम में ले जाती है और वहाँ पे उसको लेटा के वो जूस लेने के लिए जाने लगती है। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट मुड़ती है उसको टेबल पे वही झुमके दिखाई देते हैं। तो उसको लगता है कि इन झुमकों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और वो उन झुमकों को उठाती है और बाहर जाते जाते डस्टबिन में डाल देती है। और उसके बाद वो असिस्टेंट एक्ट्रेस के लिए जूस लेने चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो एक और भयानक मंजर देखती है। वो देखती है कि वो एक्ट्रेस उन्हीं झुमकों को पहन के उस शीशे के सामने बैठी हुई है। उस एक्ट्रेस की आंखें लाल थी
उसके हाथ में वही स्क्रिप्ट थी, लेकिन स्क्रिप्ट को देख के वो उल्टी सीधी बातें कर रही जो कि किसी की समझ में भी ना आए। इसके बाद एक्ट्रेस ने उस स्क्रिप्ट को फाड़ा और उसको चबाना शुरू कर दिया। ये देख के वो असिस्टेंट बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से भाग के सीधा डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर के पास जाते उसने टीम को ये सब कुछ बताया जो कुछ भी उसने देखा, तो सारी की सारी टीम एक साथ वापस ग्रीन रूम में आई एक्ट्रेस को देखने के लिए। लेकिन ग्रीन रूम में आके जो उन्होंने देखा वो कुछ अलग ही था। उन्होंने देखा कि वो एक्ट्रेस नॉर्मल बैठी हुई है और वो स्क्रिप्ट उसके हाथ में है जिसको वो पढ़ रही। ये सब कुछ देख के असिस्टेंट को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये चल क्या रहा। लेकिन ये एक तरफ हो रहा था, दूसरी तरफ एक्ट्रेस ने उठ के डायरेक्टर को बोला कि क्या हम आज का शूट कल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो डायरेक्टर ने सिचुएशन देखी और झट से मान गया। इसके बाद एक्टर्स और डायरेक्टर की सारी के सारी टीम उस सेट से वापस चले गई, लेकिन वो असिस्टेंट अभी भी मुकेश मिल्स की ग्रीन रूम में थी। वो एक्ट्रेस का सामान पैक कर रही थी, तभी अचानक उसको वही झुमके फ्लोर पे पड़े हुए दिखाई दिए। उस असिस्टेंट ने जैसे ही वो झुमके उठाए तो उसी मिरर में वही भयानक औरत उसके पीछे खड़ी दिखाई दी। डर के मारे वो असिस्टेंट जैसे ही पीछे घूमी तो उसे पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। उस असिस्टेंट ने वो झुमके वहीं के वहीं फेंके और वो वहां से भाग गई। दूसरी तरफ एक्ट्रेस मुकेश मिल से बाहर निकलते ही एकदम ठीक हो गई। ये एक्ट्रेस तो ठीक हो गई थी, वो असिस्टेंट भी वहां से भाग गई थी, लेकिन टीम का वो मेंबर जिसे वो इंसान दिखाई दिया था सिगरेट पीने वाला, वो पूरी तरह से पागल हो गया और एक दिन मुकेश मिल्स के सेट पे आके ही उसने खुद को आग लगा ली और अपनी जान दे दी। इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट मुकेश मिल्स में होते रहे। ऐसे भी सुनने में आता है कि एक हॉरर मूवी के शूट के लिए 10 साल की बच्ची का शूट चल रहा था और शूट के दौरान ही वो बच्ची उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गई और बातें करते करते ही वो अपने हाथों पे खड़ी हो गई और थोड़ी देर के बाद चक्कर खा के नीचे गिर गई और उस बच्ची के साथ भी सेम हुआ। सेट से बाहर निकलते ही वो एकदम ठीक हो गई। तो इसी तरह के बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट्स के लिए मुकेश मिल्स जाना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इंसिडेंट जिस एक्ट्रेस के साथ हुआ उसका नाम क्या है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो पे एटलीस्ट 50K व्यूज़ आ जाए। 50K व्यूज़ आते ही मैं कमेंट बॉक्स में इस एक्ट्रेस का नाम पिन कर दूंगा। तो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। See you next time in the next video. Bye bye.